सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है पूर्ण प्रावर्तक प्रिज्म। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। पूर्ण प्रावर्तक प्रिज्म का मतलब होता है कि ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हो जाए, वो हमारा जो प्रिज्म होता है वो कहलाता है पूर्ण प्रावर्तक प्रिज्म। अब ये जो पूर्ण प्रावर्तक प्रिज्म होता है, इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके के शेप का होता है प्रिज्म, ठीक है। और यहां पर हमने तीन प्रिज्म को बना कर रखा है और तीनों प्रिज्म को हमने तीन कंडीशन में रखा है इस तरीके से करकर। यहां पर इसको हमने यहां पर रख दिया है, ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से करकर इसको हमने यहां पर रख दिया है, और साथ में यहां पर अगर आप देखें तो इस तरीके से करकर इसको हमने यहां पर रख दिया है। तो तीन प्रिज्म को हमने यहां पर रख दिया है। अब इन तीनों प्रिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रिज्म है, पूर्ण प्रावर्तक प्रिज्म है, इसका कार्य क्या है। इसके कार्य को समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक प्रकाश की किरण सीधी हमारे पास आ रही है। अब अगर हमें इस प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर मोड़ना हो, यानी कि ऊपर की ओर मोड़ना हो, ठीक है, तो ऊपर की ओर इस प्रकाश की किरण को मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी पूर्ण परावर्तक प्रिज्म को लाकर हम रख देंगे उस प्रकाश के किरण के सामने। तो जैसे ही हम इस प्रिज्म को रखेंगे, ये प्रिज्म इस आने वाली प्रकाश की किरण को ऊपर की ओर मोड़ देगा 90 डिग्री पर। तो इसके लिए हम इस प्रिज्म का यूज करते हैं। साथ में अगर हमें प्रकाश की किरण को 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पर मोड़ना, यानी कि एक प्रकाश की किरण आ रही है और उसको हमें फिर से थोड़ा ऊपर ले जाकर फिर मोड़ देना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी प्रिज्म को उस किरण के सामने रख देंगे। तो ये जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म का ये जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है, इसका जो कार्य होता है ये क्या करता है कि प्रकाश की किरण को 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री पर मोड़ देती है। अब कैसे मोड़ती है, इस चीज को यहां पर हम पढ़ते हैं। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर इसकी परिभाषा लिख दी है, तो इसको यहां पर पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ऐसा समकोण प्रिज्म है जिसकी और दोनों कोण 45-45 अंश के होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म का जो एक कोण है वो तो 90 डिग्री का है, यानी एक समकोण प्रिज्म है, ठीक, और साथ में जो दो कोण, यहां एक कोण ये और एक कोण ये है, ये दोनों कोण हमारे 45-45 अंश के हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण हमारे 45-45 अंश के, ये हमारा 90 अंश का, ठीक है। ऐसे यहां पर भी ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का, बाकी ये दोनों कोण जो है ये हमारे 45-45 अंश के हैं। तो यही चीज यहां पर हमारा पहला लाइन में लिखा था कि कोण 45-45 अंश के हैं। जब इसमें प्रकाश की किरण 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर आपतित होती है, तो 42 डिग्री का मतलब समझिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इस छोटे वाले चित्र को समझते हैं। छोटे वाले चित्र में क्या है कि ऊपर एक सघन माध्यम है और नीचे एक विरल माध्यम है, ठीक। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये वाला बीच वाला लाइन हमारा अभिलंब है, ठीक। तो ये वाली प्रकाश की किरण चली, ठीक, जैसे ही ये विरल माध्यम में आएगी तो इसको जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन ये जाएगी इस रास्ते से, यानी इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये पहली बात हो गई। अब इसको अगर हम बढ़ाकर इस आई के मान को, आपतन कोण के मान को 42 डिग्री कर दें, ठीक है, यानी 42 अंश कर दें इस कोण को, तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण कुछ यहां से जाएगा, और जब ये यहां से जाएगा तो अब ये प्रकाश की किरण और ऊपर से उठेगा, तो ये हमारा जो है ये दोनों माध्यमों के बीच में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ये वाला कोण हो जाएगा, ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा, ठीक। तो अब जिस कोण के लिए, यानी जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वो हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। अर्थात ये जो 42 अंश है, ये 42 अंश हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस कोण को 42 अंश से ज्यादा बढ़ाएं, अर्थात इस किरण को और थोड़ा नीचे से ले जाएं, इस किरण को ले जाएं, तो होगा क्या कि ये सघन माध्यम में गई थी और फिर इसे ये और ऊपर से जाएगा, अर्थात ये सघन माध्यम में ही वापस हो जाएगी, यानी कि ये सघन माध्यम से चली और सघन माध्यम में ही वापस हो गई,
और ये क्रिया कब हुई, जब हमने कोण को, ये जो आपतन कोण है इसका मान हमने बढ़ाकर 42 अंश से ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो 42 अंश से ज्यादा करने पर क्या होता है, प्रकाश जो है वो उसी माध्यम में अवतरित हो जाता है, अर्थात उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहां पर भी देखें यही लिखा गया है कि जब इसमें प्रकाश की किरण 42 अंश से ज्यादा कोण पर आपतित होती है, ठीक, यहां पर देख लीजिए आपतित होती है तो इससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इसमें कोई प्रकाश की किरण जाती है और ये जब जाएगी तो आपतित होने पर जो आपतन कोण हो वो अगर 42 अंश से ज्यादा हो गया तो होगा क्या कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अर्थात इसको अगर कोई किरण को बाहर निकलना है तो वो बाहर नहीं निकलेगी, उसी माध्यम में यानी कांच में ही फिर वो वापिस लौट जाएगी। ठीक, तो यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अतः ये प्रकाश को 90 अंश या 180 अंश मोड़ देती है। ठीक है, तो इस चीज को हम जब चित्र के माध्यम से अभी समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले चित्र पर हम आते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ये वाला जो कोण है ये हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का, ये 45 अंश का और ये 45 अंश का। ठीक, अब यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण जो है वो कुछ यहां से ऐसे चलती है, ये कुछ इस प्रकार से हमारी एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म में प्रवेश करी। ठीक है, प्रवेश करी, तो अब ध्यान दीजिए ये कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चूंकि ये जो कोण है ये 90 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो ये 90 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है, 180 अंश। तो 45 और 45 90 हो गया और 90 अंश ये हो गया, तो 90 180 अंश हो गया। तो ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहां पर एक अभिलंब खींचते, कुछ इस तरीके से एक अभिलंब खींचते, तो अब जब ये कोण यहां पर 45 अंश है तो ये वाला कोण भी तो यहां पर 45 अंश होगा। ध्यान दीजिए जब ये कोण आंतरिक कोण जो है ये 45 अंश है तो यहां पर अभिलंब खींचने पर ये वाला जो कोण होगा ये कोण कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश का होगा। तो अब ध्यान दीजिए ये जो प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनना है वो कितने अंश का बनना है, 45 अंश का। और हुआ क्या, यहां पर ये जो 45, ये जो 42 अंश था, 42 अंश ही क्रांतिक कोण था, और 42 अंश पर से जैसे ही ज्यादा हुआ कोण का मान, तुरंत ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापिस हो गई। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए इस किरण, ये जो किरण गई है इसको जाना चाहिए था किस तरफ, इस तरफ जानी चाहिए थी, यानी कि ये प्रकाश की किरण ऐसे इसको जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि ये कोण चूंकि 42 अंश से ज्यादा हो गया, अर्थात क्रांतिक कोण से इसका मान ज्यादा हो गया, तो इसी कारण से अब ये प्रकाश की किरण जो है वो कुछ इस साइड में मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया आपतन कोण का मान, तो इसी कारण से इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, अर्थात ये अभिलंब की ओर झुक गई, और ये जो अभिलंब से, यानी ये जो अभिलंब से खूब ज्यादा दूर, इस तरफ दूर चली आई। ठीक है, तो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन हुआ क्या ये चली गई इस तरफ, उसी माध्यम में ये वापिस हो गई। तो हुआ क्या, यहां पर अगर आप देखें तो एक प्रकाश की किरण जा रही थी कुछ इस तरीके से, ठीक, और इसको इसने क्या किया, 90 डिग्री पर मोड़ दिया, यानी कि कोई एक सीधी प्रकाश की किरण आ रही थी और अगर इस प्रिज्म को ले जाकर इस शेप में अगर हम रख दें तो हो गया क्या कि ये प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर मोड़ दे रही। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। ऐसे में अगर आपको कहीं पर भी कोई एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं आ रही हो और इसको हमें 90 डिग्री पर मोड़ना हो तो इस प्रिज्म को ले जाकर कुछ इस तरीके से प्रिज्म को रख दीजिए, ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे 90 डिग्री पर ऊपर की ओर मोड़ देगा। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमने क्या सीखा, तो प्रकाश किरण को 90 अंश कैसे मोड़ा जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं इस दूसरे वाले चित्र पर। दूसरे वाले चित्र में भी देखें तो ये आपका 45 अंश का है और ये आपका 45 अंश का है और ये आपका 90 अंश का है। ये आप जानते हैं क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ लिया कि इसके दो कोण 45-45 अंश के होंगे, एक 90 अंश का होगा। ठीक, ऐसे कंडीशन में एक प्रकाश की किरण जो है मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से चलती है, इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक, तो ये हमारी एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश की। ठीक,
तो जब ये प्रवेश की तो ऐसे कंडीशन में अभी यहां वाला जो यहां पर वाला कांसेप्ट था वही कांसेप्ट यहां पर भी होगा, ठीक है। अर्थात ये वाला जो कोण होगा ये कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा। ऐसे अगर यहां पर एक अभिलंब खींच दिया जाए तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश का होगा। तो देखो ये जो आपतन कोण का मान है ये 42 अंश से ज्यादा हो गया, और हमको पता है कि जब 42 अंश से ज्यादा ये कोण हो जाएगा तो ये जिस माध्यम में जाएगी उसी माध्यम में ये वापस हो जाएगी, अर्थात प्रकाश किरण का कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस किरण को जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये उस तरफ नहीं जाएगी बल्कि इसका कोणांतरिक परावर्तन कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाएगा, ठीक। तो इसका कोणांतरिक परावर्तन हो गया और ये कुछ इस तरीके से चली गई, यानी कि इस अभिलंब से ज्यादा दूर हट गई, ठीक। तो अब क्या हुआ कि ये कांच में गई थी और कांच में ही वापस हो गई, ये कांच में गई थी कांच में ही वापस हो गया, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर अगर आए तो यहां पर भी अगर हम एक अभिलंब खींच दें यहां पर तो होगा क्या, होगा यही कि अगर ये वाला कोण जो है ये हमारा अगर यहाँ पर 45 अंश है तो ये भी जो कोण है ये भी हमारा 45 अंश होगा, ठीक। तो ये जब यहाँ पर आपतन कोण का मान 45 अंश हो गया तो ये क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, अर्थात फिर ये प्रकाश की किरण को निकलनी चाहिए थी इस साइड में, लेकिन इस साइड में ना निकल कर ये प्रकाश की किरण का फिर यहाँ पर कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना हो गया, 42 अंश से ज्यादा, और 42 अंश हमारा होता है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण से ज्यादा अगर मान होगा आपतन कोण का तो इसका कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये इस तरह मुड़ गए, अर्थात ये कुछ इस डायरेक्शन में निकल आए। तो यहां पर क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण गई थी वो 180 डिग्री पर ही फिर वैसे वापिस आ गई, यानी कि जिस तरफ से गई थी ठीक उसी तरफ में ये वापिस हो गई। वो हुआ क्या कि ऊपर से गई थी बस ये निकली नीचे से। तो ऐसे कंडीशन में कोई प्रकाश की किरण आ रही है उसको फिर वापस करना है तो प्रिज्म को ले जाकर ऐसे आप रख देंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इसको अगर आप इस तरीके से रख देते हैं तो ये प्रकाश की किरण को फिर वापस कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा चीज जिसमें हमने क्या सीखा, प्रकाश के किरण को 180 डिग्री पर मोड़ना सीखा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं अपने तीसरे कंडीशन पर। तीसरे कंडीशन पर क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण ये कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण चलेगी तो यहां पर अगर हम एक अभिलंब खींचे तो हुआ क्या, ये बाहर वायु है और ये कांच है, ठीक है। तो होगा क्या कि कांच क्या है सघन और वायु क्या है विरल, तो विरल में से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर ये कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी, ठीक। यानी कि ये जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक। अब जब ये इस तरीके से चली गई तो यहां पर अगर हम एक यहां पर कुछ इस तरीके से लाइन खींचे तो ये पूरा जो कोण होगा ये तो 90 अंश हो जाएगा, ठीक। ये जो पूरा कोण, ये पूरा कोण जो होगा ये 90 अंश हो जाएगा, और अगर इस कोण की बात करें तो ये 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि 45 अंश ये हो गया, 45 अंश ये हो गया। तो हुआ क्या कि आपतन कोण का यहाँ पर मान कितना हो गया, 45 अंश से, तो 42 अंश से ज्यादा हो गया। तो जब यहाँ पर 42 अंश से ज्यादा हो गया आपतन कोण का मान तो होगा कि प्रकाश किरण को जानी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो उस तरफ नहीं जाएगी, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक। यानी कि वो कांच में ही फिर वापस हो गई। तो ऐसे कंडीशन में जब ये यहां पर आई तो फिर से जैसे ये इस तरीके से गई थी, यहां पर हम अभिलंब खींचे तो यहां पर देखें तो ये क्या होगी, ये बाहर जब निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये कुछ इस तरीके से यहां पर ये वापस हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई पहली प्रकाश की किरण, ठीक। अब यहां से हमें कोई मतलब यहां पर हमारा कोई काम बन नहीं रहा है कि एक किरण को भेजने से हमें हमारा क्या काम बना, कि जहां से गई थी वहीं से तो निकल रही है, ठीक है। मतलब इस तरफ से गई थी उसी तरफ निकल रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन अभी देखो, अभी खेल देखो, अगर एक प्रकाश की किरण और इसमें भेजा जाए, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में इस यहां पर जैसे आएगी तो जैसे ये मुड़ी ऐसे ये भी मुड़ेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब ये इस तरीके से मुड़ेगी तो होगा क्या कि इसका भी अब यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम कुछ इस तरीके से अभिलंब खींचे तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश, और 42 अंश से ये ज्यादा होगा, इसी कारण से ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। यानी कि ये प्रकाश की किरण इसी के बाद फिर ये इससे जाएगी और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। तो यहां पर देखो, ये
कुछ इस तरीके से यहां पर देखो, ध्यान दीजिए आप। अगर कोई एक व्यक्ति का प्रतिबिंब यहां पर, अगर जैसे मान लीजिए यहां पर कोई हम खड़े हैं, ठीक है, हमसे प्रकाश की किरण टकराकर जा रही है, अगर हम शीशा एक दर्पण रख लें तो उसमें हमारा अच्छा मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो यहां पर अगर कोई शीशा अगर आप रखते, ठीक, दर्पण रखते तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनता, ठीक। लेकिन अब जब ये यहां पर आएगी, प्रिज्म को रख दिया जाएगा, और प्रिज्म के बाद में यहां पर अगर आप एक दर्पण रखेंगे तो यहां पर जो ये व्यक्ति है इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये प्रकाश की किरण ऊपर से चली थी, लेकिन जाने के बाद में ये नीचे की ओर चली गई, और ये प्रकाश की किरण नीचे से गई थी, लेकिन इसके कोणांतरिक परावर्तन के बाद में क्या हुआ, ये ऊपर चली गई। तो ये वाली नीचे वाली प्रकाश की किरण ऊपर हो गई और ऊपर वाली प्रकाश की किरण नीचे हो गई। तो ऐसे कंडीशन में ये जो सीधा व्यक्ति खड़ा था, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहां पर उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला कि अगर कोई जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को अगर आपको उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए आपको बीच में एक कोण परावर्तक प्रिज्म को रखना होगा। तो यहां पर आपने तीनों चित्रों से समझ लिया। पहले चित्र में आपने समझा प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए, यानी कि अगर ये सीधी जा रही है तो इसको 90 डिग्री पर ये मोड़ देगा। ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रिज्म को रखेंगे इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म को, तो ये क्या करेगा कि इसको क्या करेगा 180 डिग्री पर मोड़ देगा। और साथ में अगर यहां पर आ जाए तो इस तरीके से अगर आप प्रिज्म को रख देते हैं तो ये क्या करेगा कि एक सीधे प्रतिबिंब को उल्टा कर देगा, ठीक है। तो यहां से तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।